तो आज हम लोग देखेंगे ये जो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में यूनिवर्सल मोटर आता है तो उसको कैसे चेकिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेलिंग कंपनी का मोटर है, ये फ्रंट लोडिंग में आता है, यूनिवर्सल मोटर हम इसको बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप जैक देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ ये 9 पिन वाला है। एक देख सकते हैं ब्लू, वाइट, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, येलो, ग्रे एंड रेड। यहाँ पे अगर आप पिन देखेंगे तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं, मैं काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 पिन है। यहाँ पे जो एक पिन है वो ब्लैंक है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वायरिंग डायग्राम कर चुका हूँ, आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट कलर लिखा है ब्लू, तो सेम थिंग यहाँ पे लिखा है BLU मतलब ब्लू, WT मतलब व्हाइट, जो 2 नंबर है यहाँ पे ब्लैंक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी वायरिंग डायग्राम ब्लैंक रखा हूँ। फिर व्हाइट, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, येलो, ग्रे एंड रेड, उस हिसाब से मैं वायरिंग डायग्राम भी किया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहले बताया था जो जो दो व्हाइट है, ये व्हाइट जो है पीछे में एक टैकोमीटर लगा रहता है, ये ब्लैक कलर का हम लोग टैकोमीटर बोलते हैं। सो बेसिकली टैकोमीटर से हम लोग RPM मेजर करते हैं, RPM का मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये टैकोमीटर का कनेक्शन यहाँ पे दो व्हाइट में हुआ है, उसका जो जैक नंबर है आप देख सकते हैं 3 एंड 4 यहाँ पे लिखा है, TSCHO, WT WT, व्हाइट व्हाइट, 3 एंड 4। फिर उसके बाद अगर देखूंगा तो दो ब्लैक केबल है यहाँ पे, ये जो दो ब्लैक केबल है यहाँ पे इंटरनली आया है, आप देख सकते हैं ये जो दो ब्लैक केबल लगा है इसका पोजीशन जो है मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज 6 एंड 7। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दैट इज 6 एंड 7, जो ये जो ब्लैक केबल है ये आपका थर्मल प्रोटेक्टर। थर्मल प्रोटेक्टर मतलब ये जो मोटर होता है ये हाईएस्ट मैक्सिमम आपका 17,000 RPM तक घूमता है। तो 17,000 RPM मतलब अगर मोटर अगर ओवर हीट होने का चांसेस है तो उस टाइम में ये क्या ऑटो कट ऑफ हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं थर्मल प्रोटेक्टर, ये आप ब्लैक केबल में लगा है। तो उसके बाद अगर आ जाऊंगा आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लू है और यहाँ पे बीच में एक ब्राउन है और ऊपर में रेड है, दैट इज 1 पोजिशन में ब्लू है, 5 पोजिशन में ब्राउन है और 10 नंबर पोजिशन में रेड है। तो ये जो है ये मेरा स्टार्टर का कनेक्शन है, स्टार्टर मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में एक स्टार्टर है और नीचे में भी यहाँ पे एक स्टार्टर है। तो ये दोनों स्टार्टर यहाँ पे मेंशन किया हूँ, Starter 1 एंड Starter 2, ये दोनों स्टार्टर जो है एक साथ कंबाइन होके यहाँ नीचे में ब्लू में लगा है, दैट इज पिन नंबर 1। फिर अभी आ जाते हैं, एक देखिए यहाँ पे लगा है एक येलो कलर लगा है और एक ग्रे लगा है, जो येलो और ग्रे कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ, पीछे में दो कार्बन बूस लगा है यहाँ पे देख सकते हैं, एक ग्रे कलर का है और एक यहाँ पे एक येलो कलर का है, ये दोनों मेरा कार्बन बूस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कनेक्शन हुआ है। ये अगर मैं रोटर को घुमाऊंगा आप देखेंगे ये इधर देखना यहाँ पे कार्बन बूस के साथ कांटेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ को अब ये मोटर को बहुत सारा इंजीनियर बहुत सारा टेक्नीशियन का क्वेरी ये रहता है कि इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे टेस्ट करना है। तो डायरेक्ट टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर लिया हूँ। तो मोटर को डायरेक्ट टेस्ट करने से पहले मुझे कुछ बेसिक चीज़ चेक करना होता है। बेसिक चीज़ क्या है यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल टैकोमीटर थर्मल प्रोटेक्टर रोटर को मुझे अगर चेक करना है तो पिन नंबर 3 एंड 4 में मुझे रेजिस्टेंस चेक करना है टैकोमीटर का, तो उसका वैल्यू जो है 60 to 70 में आना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे चेक करना है। और यहाँ पे देखिए टैकोमीटर का हम लोग रखे पोजीशन 3 एंड 4 में, तो यहाँ पे देखिए टैकोमीटर का वैल्यू आ रहा है 65.9, तो टेबल के हिसाब से जो मैं बोला था आपका 60 to 70 के अंदर आना चाहिए रेजिस्टेंस ओम्स में। तो मल्टीमीटर जो सेटिंग वो मेरा ओम्स में है, 65.9 मेरा वैल्यू भी आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैक नंबर यहाँ पे जो वायरिंग डायग्राम के हिसाब से 3 एंड 4, 2 मेरा ब्लैंक है, 3 एंड 4 में टैकोमीटर लगा है, उस हिसाब से मैं 3 एंड 4 में चेकिंग कर रहा हूँ और मेरा रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है 65.9। और फिर उसके बाद आएंगे ये जो थर्मल प्रोटेक्टर लगा है, थर्मल प्रोटेक्टर मतलब ये वायरिंग डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे जैक नंबर यहाँ पे लगा है आपका
सिक्स एंड सेवन ये दोनों बीच में ब्लैक केबल का होगा। ये थर्मल प्रोटेक्टर को मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करने से इसमें बीप साउंड आएगा, तो अभी हम लोग उसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी देखिए हम लोग लगाए यहाँ पे जैक नंबर, आप देख सकते हैं जो है हमारा 6 एंड 7। 6 एंड 7 में मल्टीमीटर में आप आवाज़ सुन सकते हैं, बीप साउंड आ रहा है। बीप साउंड आ रहा है मतलब ये जो थर्मल प्रोटेक्टर है ये मेरा सही है। थर्मल प्रोटेक्टर फिर से दिखा देता हूँ, ये जो है थर्मल प्रोटेक्टर जैक नंबर 6 एंड 7, इसमें मुझे कंटिन्यूटी आना चाहिए। बीप साउंड यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं जो लगाया हूँ मैं, यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है। फिर से थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट जो रोटर लगा है, रोटर में कंटिन्यूटी साउंड आ रहे हैं नहीं, हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे। अभी देखिए रोटर को मुझे चेक करना है। रोटर मतलब पॉइंट नंबर पिन नंबर 8 एंड 9, उसमें भी मेरा बीप साउंड आएगा अगर मैं कंटिन्यू टेस्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए रोटर, रोटर में दो कार्बन बुश लगा रहता है, येलो केबल ग्रे केबल पिन नंबर 8 एंड 9। यहाँ पे देखिए मेरा 8 एंड 9 में मैं अगर चेक करूँगा रोटर के लिए, तो यहाँ पे मल्टीमीटर में आप आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ पे आपका बीप साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब रोटर और कार्बन बुश मेरा एक ही कंटिन्यूटी में है। तो अभी हम लोग अब जिस तरह चेक कर लिए ये जो तीनों पॉइंट मैं आपको बोला, टैको टैकोमीटर थर्मल प्रोटेक्टर रोटर, ये चेक करने बाद अभी हम लोग आएंगे ये मोटर को डायरेक्ट कैसे रोटेट करना है, एक क्लॉकवाइज मोशन में एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन में कैसे घुमाना है। उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे दो केबल चाहिए, सॉरी तीन केबल चाहिए, एक न्यूट्रल लाइन देने के लिए, एक आपका फेज लाइन के लिए और एक जम्पर चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पिन नंबर मेंशन कर लिया हूँ, 8, 1, 9, 10 क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, न्यूट्रल 8 में, लाइन 1 पे, और जम्पर जो लगाऊंगा वो 9 एंड 5 में लगाऊंगा। तो ये डायग्राम के हिसाब से मैं दिखा देता हूँ इसमें कैसा करना है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो अभी जिस तरह मैं आपको बोल रहा था ये मोटर को अगर मुझे डायरेक्ट चलाना है तो मुझे कुछ तीन वायर का जरूरत है। तो पहले अब हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोशन के लिए जैसे मैं आपको बोला 9 और 10 में जम्पर लगाना है, मतलब 10 नंबर पिन और 9 नंबर पिन, ये दोनों को मुझे एक साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद मुझे क्या करना है, फिर 8 नंबर पिन, ये जो 8 नंबर पिन है यहाँ पे मुझे न्यूट्रल सप्लाई देना है, इसमें एन लिख देता हूँ मैं, और आपका 1 नंबर पिन, 1 नंबर पिन यहाँ पे मुझे पी, और मैं इसको एल भी लिख सकता हूँ, मतलब लाइन और फेज देना है, यहाँ पे मुझे न्यूट्रल देना है। फिर से बोल दे देता हूँ, क्लॉकवाइज मोशन के लिए आपको 9 और 10 पिन को जम्पर, मतलब एक साथ, फॉर एग्जाम्पल ये जो रेड कलर वायर में पकड़ा हूँ इसको मुझे क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, इसको मुझे जम्पर मतलब इसको मुझे एक साथ लगा देना है। ये देखिए मुझे ये पिन 9 एंड 10, 9 एंड 10 को मैं एक साथ जोड़ दिया जम्पर लगा के, इस तरह 9 एंड 10 लगा दिया। फिर मुझे क्या करना है, एक न्यूट्रल लाइन देना है और एक फेज लाइन देना है। न्यूट्रल के लिए मैं अभी ब्लू का वायर यूज कर रहा हूँ, ब्लू कलर वायर कहाँ लगेगा, न्यूट्रल 8 नंबर पिन, 8 मतलब उसका ठीक नीचे में मुझे लगाना है 8 नंबर पिन। फिर मुझे 1 नंबर पिन में मुझे फेज देना है, तो इसलिए मुझे 1 नंबर पिन में मैं फेज लगा रहा हूँ, पॉज कर दो। तो यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी जम्पर लग गया है, इस यहाँ पे देखिए जो 9 एंड 10, मतलब 9 एंड 10 में मेरा जम्पर लग चुका है। फिर यहाँ पे देखिए 8 में मुझे देना है न्यूट्रल, तो 8 में देखिए मैं ब्लू कलर वायर यहाँ पे यूज़ किया हूँ, ब्लू कलर हो गया न्यूट्रल के लिए, और 1 नंबर पिन में देना है मुझे फेस। तो 1 नंबर पिन जो येलो कलर का केबल आप देख सकते हैं, तो येलो कलर केबल जो गया है मेरा फेस में गया है। अभी मैं फिर से बोल देता हूँ, ये जो सेटअप है ये क्लॉकवाइज के लिए है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं पेपर लगाया हूँ, ये मोटर जो है अभी हाई आरपीएम में घूमे, जब बंद होगा तो उस टाइम में उसका आप मोशन को देख सकते हैं। तो अभी मैं मोटर को ऑन कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था, इसलिए मैं एक पेपर दे दिया था। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए फिर से दिखा देता हूँ, और न्यूट्रल नंबर जो रहेगा आपका 8,
एट में रखा हूँ मैं, आप देख सकते हैं ब्लू कलर जो लगा है, और लाइन जो रहेगा वन वन मतलब यहाँ पे जो येल्लो लगा है, और नाइन एंड टेन में मेरा जंपर लगेगा, जो इस हिसाब से आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, नाइन और टेन में मेरा जंपर लगा है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मोशन कैसे करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए यहाँ पे देखिए न्यूट्रल और जो लाइन है दोनों का पोजीशन सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जंपर जो 9 to 10 लगा था, यहाँ पे देखिए जो 9 to 10 जंपर लगा था उसको मैं 9 to 5 करूँगा, मतलब इसका मतलब है ये जो 10 नंबर है ये जंपर को मुझे हटाना है, यहाँ से मुझे जंपर को हटा के मुझे जंपर को कहाँ लेना है 9 to 5, मतलब यहाँ से अगर मैं लूँगा तो ये जंपर जो जाएगा ये मेरा यहाँ 5 में जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग चेंज करेंगे, ये जो रेड कलर केबल लगा है इसको हम लोग 9 to 5 करेंगे, तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 10 नंबर को निकालना है और मुझे 5 नंबर में देना है, 5 में काउंट कर लेता हूँ नीचे से 1 2 3 4 5, ऊपर नहीं ये वाला ना, 4 में आ रही है। नहीं 2 जो है ब्लैंक उसको काउंट करना है ना, पकड़े थोड़ा मोटर को। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे भी पीछे में लिखा होगा होता है नंबरिंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर क्लियरली दिख रहा है तो, यहाँ पे भी लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी लिखा है, तो ये मेरा अभी 5 में लगा दिया हूँ मैं जंपर को, दिखाता हूँ जंपर, जंपर जो है देखिए 9 to 5 लग गया आपका, 1 2 3 4 5, 5 मतलब ये जो है ब्राउन के साथ लगना चाहिए, तो ये 5 में हो गया जंपर। और न्यूट्रल फेस मतलब ब्लू येलो जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं करना है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो पेपर है पहले जिस तरह जो क्लॉकवाइज घूम रहा था, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर से मैं दिखा देता हूँ अगर आपको टेस्ट करना है, फिर से ये बोर्ड में दिखा देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज के न्यूट्रल पोजीशन 8 में रहेगा, लाइन का पोजीशन 1 में रहेगा और जंपर 9 to 5 में रहेगा, जिस तरह यहाँ पे मैं वायरिंग किया हूँ, फिर से चला जाता हूँ देख लीजिए। क्लियर, ये फिर से डायग्राम थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा आपको, ये डायग्राम जो है मैं फोटो में भी आपको शेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू।